हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला वैष्णवी पाठशाला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम विलोम शब्द की अपनी कक्षा पूरी करके आए हुए हैं, और अब हम यहाँ पर एक शब्द के लिए अनेक शब्द के लिए जो एक शब्द होता है, ठीक है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है। इसमें होता क्या है कि एक आपको वाक्य दिया जाता है, मतलब अनेक शब्द दिए जाते हैं, और उस वाक्य का एक सिंपल सा एक मतलब शब्द में उसका आंसर होता है, वो बताना होता है। तो सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते ही आते हैं, और 100% आते हैं, और यहाँ पर कन्फ्यूजन भी बहुत पैदा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने शब्दों को लिखा है जो मुख्य शब्द होता है। ठीक है भाई, है क्या? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो जो वाक्य है मैं बताऊंगा कि ये शब्द जो लिखे हैं मैंने, अनन्य, अनुपम, अजात शत्रु, सर्वज्ञ, बॉक्स में आप देख रहे होंगे, ये क्यों लिखे हैं, ठीक, ये किस लिए लिखे गए हैं, आखिर ये इनका मतलब क्या होता है, ये मैं बताऊंगा। तो उस इससे आपको क्या होगा कि कम समय में अधिक से अधिक शब्द आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक, चलिए फिर देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किस प्रकार से आते हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं UPPCS के मेंस में जो पूछे गए हैं सवाल 1990 के बाद के, उन सारों को मैं पहले ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और इसमें देखिए विलोम शब्द की तरह यहाँ पर भी वाक्य रिपीटेड होंगे। ठीक, रिपीट होने से क्या होगा, आपको शब्द बार बार पढ़ने को मिलेंगे, जिससे जो शब्द हैं वो कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो कम से कम वो शब्द तो आपको याद होंगे। ठीक, चलो फिर यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अनन्य है, अनुपम है, अजात शत्रु है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रारंभ से, यानी कि पहला शब्द हमारे सामने लिखा है अनन्य। क्या शब्द लिखा है? अनन्य। अब देखिए अनन्य और अनुपम एक बॉक्स में बंद है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक, ऐसा कुछ भी जिसके समान दूसरा कोई हो ही ना, उसको क्या बोलते हैं? अनन्य या अनुपम। जैसे कि अगर हम हिमालय की बात कर लें, तो हिमालय के समान दूसरा कोई नहीं है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अनन्य या अनुपम भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा शब्द क्या है आपके सामने? अजात शत्रु। अजात शत्रु ये क्या है? देखिए अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई भी शत्रु ना हो, ऐसा कोई जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हो, उसको बोलते हैं अजात शत्रु। समझ में आ गई बात? तीसरा शब्द क्या है आपके सामने? तीसरा शब्द है आपके सामने सर्वज्ञ। क्या शब्द लिखा है? सर्वज्ञ। अब सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, हर चीज की उसको नॉलेज हो, ठीक, हर प्रकार का ज्ञान रखता हो, तो सब कुछ जानने वाला क्या होता है? सर्वज्ञ। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट शब्द आपके सामने है व्यर्थ या अर्थहीन। तो व्यर्थ या अर्थहीन क्या हुआ? जिसका कोई अर्थ ना हो। तो अगर पूछा जाए जिसका कोई अर्थ ना हो क्या होता है, उसको हम व्यर्थ भी बोल सकते हैं, उसको हम अर्थहीन भी बोल सकते हैं। ठीक, जिसका कोई अर्थ ना हो वो क्या होगा? व्यर्थ या अर्थहीन। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा है साक्षर। क्या लिखा है? साक्षर। अब ये साक्षर क्या होता है? साक्षर का मतलब वो होता है जो लिखना पढ़ना जानता हो। ठीक, तो जो लिखना पढ़ना जानता होगा उसको हम क्या बोलेंगे एक शब्द में? साक्षर बोलेंगे। आगे देखते हैं। आगे वर्ड लिखा है कृतज्ञ। देखिए कृतज्ञ का हमने विलोम भी बताया था आपको, कृतघ्न। तो कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? जो उपकार को माने, मतलब जो उपकार को मानता हो, उसको क्या बोलेंगे? कृतज्ञ। आई बात समझ में? तो उपकार को मानने वाला क्या होगा? कृतज्ञ। और उपकार को ना मानने वाला क्या होगा? कृतघ्न। आगे बढ़े लिखा है जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, उसको क्या बोलेंगे? अजेय। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? अजेय। आगे लिखा है कुलीन या अभिजात। क्या वर्ड लिखा है? कुलीन या अभिजात। इसका मतलब क्या होता है? अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो, उसको क्या बोलते हैं? कुलीन या अभिजात। नेक्स्ट क्या है?
धरा को ग्रहण करने वाला, भूधर, धरा या भू को धारण करने वाला क्या कहलाता है? भूधर। ठीक, आगे वह वर्ड लिखा है मृत्युंजय। तो ये मृत्युंजय क्या होता है? देखिए सारे शब्द समझ में आ रहे ना? ओके, नेक्स्ट वर्ड लिखा है मृत्युंजय। तो मृत्युंजय का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। ठीक है, मृत्यु को जीत लिया हो उसको क्या बोलते हैं? मृत्युंजय। मतलब ऐसा कुछ है कि मृत्यु उसके पास आए ही ना, ठीक, अमर हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? मृत्युंजय, जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युंजय। आगे क्या वर्ड लिखा है? प्रवासी। प्रवासी क्या है? जो व्यक्ति विदेश में रहता हो। तो जो व्यक्ति विदेश में रहता होगा उसको क्या बोलेंगे हम? प्रवासी। बात समझ में आ गई? इसके बाद वर्ड लिखा है बहुभाषाविद। तो इसके तो वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, बहुभाषाविद। तो बहु माने क्या हो गया? भाषा। बहु माने क्या हो गया? बहुत। भाषा माने क्या हो गया? भाषा, लैंग्वेज। और विद मतलब क्या होता है? जानकार। मतलब जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसको क्या बोलेंगे? बहुभाषाविद। हिंदी भी जाने, इंग्लिश भी जाने, उर्दू भी जाने, मतलब बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखता हो उसको बोलेंगे बहुभाषाविद। आगे बढ़े लिखा है जो युद्ध में स्थिर रहे उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहे उसको क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर। समझ में आ गया? आगे लिखा है गोधूलि या प्रदोष। गोधूलि या प्रदोष, ये क्या होता है? देखिए सुबह का समय होता है और रात का समय होता है, यानी कि संध्या और रात्रि के जो बीच का समय होता है, सुबह और रात के जो बीच का टाइम होता है उसको बोलते हैं गोधूलि या प्रदोष। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूलि होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? इसके बाद वर्ड लिखा है दुराग्रह। दुराग्रह, दुराग्रह मतलब क्या होता है? देखिए दुर शब्द का यूज होता है बुरी चीज के लिए, और ग्रह से बना अनुग्रह। तो जो बुरी चीज होती है उसका अनुग्रह ना करे, ठीक है, सॉरी, अनुग्रह करे, ठीक है, क्योंकि कोई भी इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, तो इसका मतलब हो जाएगा अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना। ठीक है, किसी भी अनुचित बात को अनुसरण करना, अनुसरित करना, उसका अनुसरण करना क्या होता है? दुराग्रह। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना दुराग्रह होता है। ठीक, इसके बाद वर्ड लिखा है अनभिज्ञ या अज्ञ। अनभिज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो उसको क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ, जो कुछ भी ना जाने उसको क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ। नेक्स्ट वर्ड है अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष आपको पता ही होगा अंतरिक्ष क्या होता है, धरती और आकाश के जो बीच का स्थान होता है उसको हम अंतरिक्ष बोलते हैं। तो धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। इसके बाद वर्ड लिखा है अतींद्रिय। अतींद्रिय इंपॉर्टेंट शब्द है। ये क्या मतलब होता है? देखिए जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसको बोलेंगे अतींद्रिय। इसके बाद क्या है? जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको हम चंद्रमौली बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा है उसको क्या बोलते हैं? चंद्रमौली। आगे क्या है? जिसे बुलाया ना गया हो उसको बोलते हैं अनाहूत। जिसे बुलाया ही ना गया हो, बिन बुलाए मेहमान हो, बिन बुलाए बाराती हो, उसको बोलते हैं अनाहूत। आगे समझ में? चलो अच्छी बात है। आगे जो व्याकरण अच्छी तरह जाने उसको क्या बोलते हैं? व्याकरण। जो व्याकरण अच्छी तरह जाने उसको क्या बोलते हैं? व्याकरण। ठीक, इसके बाद क्या है? अपराहन। अपराहन, अभी अपराहन क्या है? अपराहन होता है दोपहर के बाद का समय। जो दोपहर के बाद का समय होता है उसको हम अपराहन बोलते हैं। आगे वर्ड है अभियुक्त। अभियुक्त का मतलब क्या हो गया? देखिए जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर मुकदमा दायर किया गया हो, कोर्ट में कोई केस दायर किया गया हो, मुकदमा चलाया गया हो, उसको हम अभियुक्त बोलते हैं। इसके बाद क्या है? वाचाल। जो बहुत ही अधिक बोले, जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वाचाल। और वाचाल का विलोम क्या होता है? मूक। इसके बाद वर्ड क्या है? जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ही ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? कर्तव्य विमूढ़। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो उसको क्या बोलते हैं? कर्तव्य
विमूढ़, आगे बात समझ में? चलो आगे क्या है, सर्वज्ञ, ये क्या है, जो सब कुछ जानता हो। देखिए रिपीट हुआ, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। तीसरा वर्ड देखिए, तीसरा तीसरा है, तीसरा ही सर्वज्ञ है। इसके बाद ये जो हमारा शब्द है ये भी सर्वज्ञ है। तो रिपीटेड यहाँ पर वर्ड है, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। जिसकी कोई सीमा ना हो उसको क्या बोलते हैं, असीम। जिसकी कोई सीमा ना हो उसको क्या बोलते हैं, असीम। ठीक, सीमा बाउंड्री ना हो, कुछ भी ना हो, कोई बंदिश ना हो, उसको असीम बोलते हैं। जिसको जाना नहीं जा सके उसको क्या बोलते हैं, अज्ञेय। जिसको जाना नहीं जा सके उसको क्या बोलते हैं, अज्ञेय। आगे वर्ड क्या है, अनंत। तो अनंत तो पता ही होगा, हम लोग गणित में भी अनंत का यूज करते हैं। तो अनंत कहाँ पर यूज करते हैं, अनंत का मतलब क्या होगा, अनंत का मतलब क्या होगा कि जिसका ना तो कोई आदि हो और ना ही कोई अंत हो। उसको क्या बोलते हैं, अनंत। इसके बाद साक्षर, जो पढ़ा लिखा है, जो शब्दों को जानता है, जो पढ़ना लिखना जानता है, उसको क्या बोलते हैं, साक्षर। इसके बाद क्या है, आकाश वृत्ति। अब ये आकाश वृत्ति क्या है, आकाश वृत्ति का मतलब देखिए क्या है, यहां पर ऐसे समझ सकते हो कि ऐसी आजीविका, यानी कि ऐसी जीविका समझ सकते हो, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, मतलब ऐसा कुछ जो अचानक मिल जाए, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसको क्या बोलते हैं, आकाश वृत्ति। पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान जो होता है उसको बोलते हैं अंतरिक्ष। पृथ्वी और ग्रहों के जो बीच का स्थान होता है उसको हम अंतरिक्ष बोलते हैं। आगे क्या है, अविधिक या अवैध, ये क्या होता है, अविधिक। अविधिक या अवैध, देखिए विधिक क्या होता है, जो विधि के द्वारा बना हो, जो कानून में लिखा गया हो उसको हम विधिक बोलते हैं। लेकिन इसके आगे आ लग गया तो अविधिक हो गया, अविधिक या अवैध, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसको क्या बोलेंगे, अविधिक। ठीक, आगे क्या वर्ड है, आगे वर्ड लिखा है दिव्य चक्षु। ठीक है, इंपॉर्टेंट शब्द है दिव्य चक्षु। अब ये दिव्य चक्षु क्या होता है, देखिए दिव्य चक्षु मतलब क्या होता है कि उसके पास दिव्य दृष्टि है। मतलब ज्ञान नेत्र से देखने वाला एक अंधा व्यक्ति, ऐसे समझ सकते हो। तो दिव्य चक्षु क्या है, दिव्य दृष्टि से देखने वाला एक अंधा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं है लेकिन उसके अंदर ज्ञान इतना है कि ज्ञान नेत्र से वो देख पाता है, उसको क्या बोलते हैं, दिव्य चक्षु। ठीक है, आगे बस समझ में? चलिए आगे देखिए, लिखा है पंचामृत। पंचामृत क्या होता है, खाया भी होगा आपने, प्रसाद के रूप में दिया जाता है। पंचामृत देखिए क्या होगा, समझिए, देखिए दूध, जो जो मैं शब्द बता रहा हूं उनको समझिए, दूध दही। ठीक, इसके बाद शक्कर हो गया, मधु हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो मिश्रित एक पदार्थ बनता है पानी हो गया, और इस पदार्थ का यूज जो होता है, जो प्रयोग होता है, वो देवताओं और भगवान को अर्पित किया जाता है। तो एक प्रकार से पांच प्रकार की चीजों का एक मिश्रण होता है जो कि देवताओं और भगवानों को अर्पित किया जाता है, उनके उनके ऊपर प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, उसको हम पंचा मृत बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अतिथि। अतिथि का मतलब क्या होता है, जिसके आने की तिथि ना हो, ऐसा कोई मेहमान अचानक टपक पड़े जिसकी कोई तिथि पता नहीं है उसको हम अतिथि बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, अविवेकी। अविवेकी तो अविवेकी किसे कहते हैं, देखिए अविवेकी का मतलब क्या होता है, जो किसी भी चीज में विवेक ना लगाए, मतलब जिसे भले का बुरे का कोई ज्ञान ना हो उसको हम अविवेकी कहते हैं। तो जिसे भले बुरे का पता ही ना हो, ज्ञान ही ना हो, उसको हम अविवेकी कहेंगे। इसके बाद वर्ड है अवर्णनीय। तो अवर्णनीय क्या है, मतलब क्या है, जिसका वर्णन ना किया जा सके, ऐसे ऐसा कुछ जिसको हम वाणी के रूप में बोल ही नहीं सकते हैं उसको हम अवर्णनीय कहते हैं। मतलब जिसे वाणी के रूप में व्यक्त ना किया जा सके वो अवर्णनीय कहलाता है। आगे आखिरी शब्द है अजात शत्रु। देखिए अजात शत्रु फिर से आया शब्द, जो कि मैंने अभी आपको कराया ही था। क्या बताया था, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो उसको हम अजात शत्रु कहते हैं। तो आज आपके सामने मैंने इतने शब्द यूज किए
प्रयोग किए, इतने शब्द आपके सामने प्रस्तुत किए। इसमें से सारे शब्द ऐसे हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार से मैं बहुत सारे शब्दों को यहाँ पर कराऊंगा, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आपके सामने आएंगे। ठीक, तो इनका अध्ययन कीजिए, बार बार इसको पढ़िए, बार बार समझिए, देखिए, हो सके तो नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।